हाँ जी, हमें इस डेरिवेशन को करने के लिए, डेरिवेशन क्या है मैं पहले बता देता हूं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कि चेंजेस ना आने, चेंजेस ना आने इन द सेंस। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से कंजर्वेशन का मतलब समझना, क्योंकि अब ये वर्ड तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो ये कंजर्वेशन वर्ड अब तुम्हारी लाइफ में बहुत यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कभी भी जब कंजर्वेशन वर्ड आएगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट से बात नहीं की जाएगी, तो बात की जाएगी मिनिमम। इस टॉपिक को समझना बेटा, ये नॉर्मल एक बेसिक टॉपिक है कंजर्वेशन वर्ड से रिलेटेड, मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स की। ये दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दो पार्टिकल हो सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स क्यों बोल रहा हूं, मिनिमम मैक्सिमम जितने मर्जी ले लो, बट सिंगल नहीं होना चाहिए, मिनिमम टू होने चाहिए। क्यों? दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर बेटा हमारा एक सिस्टम बनता है। मान लो दिस इज अ सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम है, तो उसके अंदर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन हो चार हो, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर घर में सिंगल मेंबर है तो वो फैमिली नहीं है, उसको हम फैमिली नहीं बोल सकते। अगर हमारे घर में सिंगल मेंबर है, हम इंडिविजुअल हैं, सिंगल हम रहते हैं और कोई है ही नहीं हमारे साथ, तो दिस इज नॉट अ फैमिली। अगर हमारे साथ हमारे मम्मी पापा, हमारे ब्रदर सिस्टर सब रहते हैं तो हम कहेंगे दैट इज अ फैमिली, ठीक है। तो मतलब फैमिली बोलने के लिए मिनिमम टू मेंबर होने जरूरी है, सिंगल मेंबर को तुम फैमिली नहीं बोल सकते। सेम केस यहां पर है कि सिंगल ऑब्जेक्ट को तुम सिस्टम नहीं बोल सकते, तुम्हें सिस्टम बनाने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए, जब दो से जितने मर्जी ज्यादा ले सकते हो। तो अब इनमें क्या होगा बेसिकली, मान लो अब जैसे कि हम क्या करते हैं, अब मैं तुम्हें घर का ही एग्जांपल लेके बताता हूं कंजर्वेशन का। घर का कैसा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी। जैसे मान लो घर में एक सन है और एक उनके फादर है, दोनों अर्निंग है, दोनों पैसे कमा रहे हैं। अब घर में क्या होता है कि मान लो कुछ पैसे उन्होंने कमाए, कुछ पैसे उन्होंने कमाए, उनके टोटल जो अमाउंट है घर में, टोटल अमाउंट मंथ का उनके पास 10,000 आता है दोनों का मिला के। बात को समझने की कोशिश करना कि एक फादर है और एक सन है, दोनों अर्निंग है और वो दोनों अर्न करके घर में कितने पैसे लेकर आते हैं पर मंथ, 10,000, ठीक है। 5,000 अगर फादर ले रहे हैं तो 5,000 सन ले रहा होगा, जरूरी नहीं है 5,000 हो, कोई 6,000 भी हो सकती है अर्निंग, किसी की 4,000 भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर फादर की कम होगी तो सन की ज्यादा हो जाएगी, मतलब उनके घर में महीने में आने 10,000 है, 10,000 अमाउंट, ये जो 10,000 अमाउंट है जब तक ये मेंटेन रहेगा उसी को तुम कंजर्वेशन बोलोगे। कि अगर फादर की इनकम कम हो जाती है तो सन की इनकम ज्यादा हो जाती है, 10,000 मेंटेन हो जाता है। अगर सन की कम हो जाएगी, फादर की ज्यादा हो जाएगी, फिर 10,000 मेंटेन हो जाएगा। जब तक ये 10,000 मेंटेन होगा तो तुम ये कह सकते हो कि इनकी इनकम कंजर्व है। कंजर्वेशन का मतलब समझ आया कि अगर सिस्टम में एक पार्टिकल थोड़ा लो हो जाता है तो दूसरा पार्टिकल हाई हो जाता है। क्यों? वो सिस्टम की जो पावर है, सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाती है। तो मैंने तुम्हें एक घर का एक एग्जांपल लेके इस चीज को क्लियर किया है। तो स्टूडेंट्स मुझे फटाफट से मैसेज कमेंट करेंगे विदाउट अनम्यूट योर माइक, माइक अनम्यूट नहीं करना, क्या ये क्लियर है या नहीं है ये टॉपिक, कंजर्वेशन वाला टॉपिक क्लियर हुआ सबको? तो बेटा मैं आगे फटाफट से डेरिवेशन में हूं, जल्दी कीजिएगा, टाइम नहीं है, अभी डेरिवेशन करनी है। हरिओ, कंजर्वेशन वाला पॉइंट क्लियर है। कंजर्वेशन में क्या करना है कि अगर किसी एक पार्टिकल की इनकम डाउन हो रही है तो दूसरे की अपने आप हाई हो जाएगी, बिकॉज तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसकी टोटल इनकम सिस्टम की या फैमिली की वो इनकम कंजर्व करनी है। मतलब अमाउंट में वेरिएशंस नहीं आने चाहिए, टोटल अमाउंट में वेरिएशंस नहीं आने चाहिए। इंडिविजुअल इनकम में वेरिएशंस आ रहे हैं चलेगा, पापा की अगर ज्यादा हो गई है तो बेटे की इनकम कम हो गई है, बेटे की ज्यादा हो गई तो पापा की कम हो गई, इंडिविजुअल वेरिएशन आ रहे हैं चलेगा, लेकिन फैमिली की टोटल इनकम में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि इनकम कंजर्व है। ये मैंने तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा दिया। अब हम साइंस की अगर बात करें तो साइंस में इनकम की बात नहीं करेंगे, साइंस में बात की जाएगी एनर्जी की, मोमेंटम की, फोर्स की।
तो हर चीज कैसे कंजर्व होती है, लेट्स सी। ये नेचर भी बहुत कंजर्व होती है बेटा, सोच के देखना। इस नेचर में भी एनर्जी हमारी कंजर्व होती है, ये भी तुम्हें धीरे धीरे आएगा सामने। आज ये वाला टॉपिक करते हैं, फिर एक दिन एनर्जी का करेंगे, नाइन्थ क्लास में एनर्जी का टॉपिक भी, डोंट वरी। तो कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर का मतलब है बेटा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन। तो अब यहां पर हमने लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम हम सबको पता है m into v होता है, मोमेंटम हम सबको पता है क्या होता है, m into v, वेरी गुड। तो यहां पर हमने लीनियर मोमेंटम को कंजर्व दिखाना है। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि कंजर्वेशन के लिए हमें मिनिमम कितने पार्टिकल चाहिए, दो। क्यों? कंजर्वेशन सिस्टम में चेक होती है, ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल की चेक होगी। कंजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमें सिस्टम फैमिली की तरफ जाना पड़ेगा, एक सिंगल पर्सन की तरफ हम बात नहीं करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो मैंने यहां पर देख सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन होने वाला है, टक्कर होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है बिफोर कोलिजन, ये सबको क्लियर हो रहा है, ये डायग्राम क्लियर है ना, दिख रहा है ना, क्योंकि ये तुम्हें बनाना है बेटा, ये तुम्हें बनाना है। हाँ, वीडियो तुम्हें मिलेगा आफ्टर दिस लेक्चर, तुम्हें नून तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो। अब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं वो रिकॉर्डिंग पे है, तो वो तुम्हें अप टू 12 o'clock तक मिल जाएगा ऑन द यूट्यूब। हाँ जी रुद्र, बोलिए, टाइप कर दीजिए रुद्र, जल्दी से बताइए। यू आर रेजिंग योर हैंड रुद्र, व्हाट्स प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू ऑल? ये डायग्राम सबको बेटा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। मैं फिर से डायग्राम को दोबारा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट इज नॉट क्लियर करणदीप सिंह? तो बेटा यहां पर तो सभी कनेक्शन वगैरह परफेक्ट है, तो थोड़ा सा अपना नेटवर्क एरिया में आ जाइएगा, जहां पे आपका नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा हो तो बोर्ड भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिफ्रेश करते ही। हां जी, अब बताओ। यस से नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत यहाँ पर बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम वीडियो ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हो, लेकिन कान ऑडियो तो क्लियर आ रही है, सुनो समझो इस चीज को एक बार थोड़ा सा, फिर जब तुम वीडियो चेक करोगे तो तुम्हें अपने आप क्लियर होता चला जाएगा सब कुछ, ओके। तो एक बार समझ लो, तो है क्या बेटा यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, इसको बोलना है बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले का है, दिस इज द बिफोर कोलिजन। अब इसमें ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट ए का मास मैं ले लेता हूं एम ए, ये ए एम के बिल्कुल पैर में लिखना है, उसके साथ में नहीं लिख देना, ऐसे नहीं लिखना, देखो एम ए ऐसे नहीं लिखना, ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं बनाना हमें, इस ए को बहुत छोटा सा लिखना है नीचे उसके, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि ये जो मास है ये ऑब्जेक्ट ए का मास है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और बी के साथ हम लिखेंगे बेटा एम बी, उसके पैर में छोटा सा बी लिख देंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मैंने ली है वो ली है यू ए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू ए, यहां पर लिखा हुआ है ना इनिशियल वेलोसिटीज, ये दो ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटीज है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है यू बी। मैं इन दोनों की टक्कर करवाना चाहता हूं, कोलिजन करवाना चाहता हूं, तो कोलिजन कब होगा? कोलिजन तब होगा जब पीछे वाला फास्ट मूव करेगा और आगे वाले में टक्कर मार देगा, ठीक है। अगर ये पीछे वाला फास्ट मूव करेगा तो इसलिए मैंने यहां पर ये देखो कंडीशन लगाई है कि इनिशियल वेलोसिटी ए की ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी से। तो ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबको, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी ua है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub है, ठीक है। इन दोनों में कोलिजन होना है तो इसलिए मैंने पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ज्यादा दिखाया, ua ग्रेटर देन ub, ताकि पीछे वाला ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करके आगे वाले ऑब्जेक्ट में कोलाइड हो सके, टक्कर कर सके, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन यहां से मैं हटा देता हूं स्टिल, ओके। नाउ ड्यूरिंग कोलिजन, अब कोलिजन हो चुका है तो क्या होगा, कोलिजन के टाइम पे क्या होने वाला है ये देखते हैं। ड्यूरिंग द कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो ए बी पे टक्कर मारेगा, जब ए ने पीछे से आगे बी पे टक्कर मारी तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, इक्वल लगाएगा लेकिन ऑपोजिट लगाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इस डेरिवेशन में दो लॉज तुम्हें यूज करने हैं, कौन कौन से दो लॉज तुम्हें यूज करने हैं इस डेरिवेशन में, एक करना है सेकेंड लॉ का यूज और दूसरा करना इसमें तुम्हें थर्ड लॉ का यूज, ठीक है। बस इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना, तो हमें इसमें दो ही लॉज चाहिए, एक सेकंड लॉ एक थर्ड लॉ, और हमारी ये इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, लेट्स सी, दिस इज द बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन में देखो क्या होता है, जब टक्कर होती है तो ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो यहां पर देखना ध्यान से इस चीज को, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें शो करना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट अच्छे से चेक करना, ये वाला दिस वन, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। यहां पर मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि तुम्हें विजिबल हो जाए, ठीक है। एफ बी ए, एफ बी ए, अब वही पॉइंट है कि बी और ए को एफ के पैरों में बहुत छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। उससे क्या होने वाला बेटा, इसका मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू वन, टक्कर हुई है बी पर, किसने मारी, ए ने, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो यहां लिख दूं मैं फोर्स, ये तुम भी लिख लेना कहीं अपनी नोटबुक में साइड में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ए के कारण बी पे फोर्स लगा। फिर क्या होगा बेटा, ये तो ए के कारण बी पे फोर्स लगा, अब यहां पर देखो यहां बी के कारण ए पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो उस फोर्स को कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे एफ किस पर लगा, तो हम कहेंगे ए पर लगा, किसके कारण लगा, तो हम कहेंगे बी के कारण लगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं एफ ए बी कब लिखूंगा और एफ बी ए कब लिखूंगा। तो ये चीज तुम अपनी नोटबुक में कहीं पे नोट करके लिख लो, इस पॉइंट को जरूर लिख लेंगे सभी बच्चे। क्लियर है ये पॉइंट सबको, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया। अब टक्कर होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी बदल जाती है, ऐसा नहीं है जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहे थे टक्कर होने के बाद भी वो उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे, नहीं। अब टक्कर होने के बाद आफ्टर कोलिजन ए अपनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है बी ए, अब फाइनल वेलोसिटी को बी से रिप्रेजेंट किया था, इनिशियल को यू से, और बी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है बी बी, जो भी वेलोसिटी बनी उनकी टक्कर होने के बाद। कई बार ऐसा होता है टक्कर होने में जो सा ऑब्जेक्ट स्लो होता है वो फास्ट हो जाता है, और जो सा फास्ट आ रहा होता है कोलिजन के बाद वो स्लो हो जाता है, तो मतलब वेलोसिटीज में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। हां जी निश्चय बताते रहिए, मैसेज करते रहिए निश्चय, आई कैन रीड योर मैसेज। तो यहां पर हमारे पास न्यू वेलोसिटीज आ गई बी ए एंड वी बी, सिंपल। तो ये इनिशियल वेलोसिटीज थी टक्कर होने से पहले बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, यहां तक का तुम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं यहां पे डेरिवेशन कर रहा हूं, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन का जो आंसर आने वाला है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो आंसर जो हमारे पास आने वाला है, बिकॉज उस पे हमने न्यूमेरिकल्स करने, बहुत 80% वो फॉर्मूला हमारा यूज होगा जो इस डेरिवेशन में हमें मिलने वाला है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां पर लिखेंगे कंसिडरेशन, जल्दी जल्दी लिखते चले जाएंगे, थोड़ा सा कंसीडर कर लें कि हमने इतना कुछ लिया तो इसको कंसीडर करके दिखाना पड़ेगा कि कंसीडरेशन में हमें क्या क्या करना है, लेट्स सी। तो कंसीडरेशन हम जब भी लिखेंगे बेटा, कंसीडरेशन को एक पैराग्राफ बना के नहीं लिखना, कंसीडरेशन को छोटे 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 पॉइंट्स में लिखना है। तो कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना, फटाफट से लिखते चले जाएंगे। कंसीडरेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स
कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. एक पॉइंट खत्म कंसीडरेशन का. सेकंड पॉइंट, पैराग्राफ में नहीं लिखना, बार बार मैं बता रहा हूं तुम्हें. कंसीडर मास ऑफ ए एंड बी इज एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली. मास लिख दिया, ठीक है. उसके बाद लिखेंगे यू ए एंड यू बी आर इनिशियल वेलोसिटीज, आर इनिशियल वेलोसिटीज. ओके, ये इनिशियल वेलोसिटीज हो गई. वी ए एंड वी बी को लिखेंगे वी ए एंड वी बी आर फाइनल वेलोसिटीज. वी ए एंड वी बी हमारी फाइनल वेलोसिटीज होंगी. अब मैं वो वाला पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे देखेंगे, नीचे कई बार विजिबल नहीं होता तो मैं यहां पे लिख रहा हूं. वी ए एंड वी बी आर फाइनल वेलोसिटीज. बेटा कंसिडरेशन जरूर लिखनी है, ठीक है. तो फर्स्ट कंसिडरेशन ये थी, सेकेंड ये थी, थर्ड ये थी, फोर्थ वन ये है. ओके, इसके बाद मैं ये रफ कर रहा हूं, लिख लिया हो गया सबने. तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट हटा रहा हूं मैं. अब देखो हमने सब कुछ लिख दिया, ऑब्जेक्ट ए भी हमने लिख लिया, मास बता दिया, इनिशियल वेलोसिटी बता दी, फाइनल वेलोसिटीज बता दी. एक पॉइंट रह गया, वो है फोर्स का. तो यहां पर अच्छे से लिखेंगे जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था. एफ बी ए, इसका मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. इसका क्या मतलब है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. और आफ्टर दिस लास्ट कंसिडरेशन है. बेटा कंसिडरेशंस जब भी तुम किसी भी डेरिवेशन में लिखते हो तो डोंट राइट इन द पैराग्राफ फॉर्म, प्लीज राइट इन द पॉइंट्स. इसको चेक करना, अच्छा चेक करना बहुत इजी होता है. एग्जामिनर पे एक इंपैक्ट जो पड़ता है वो पॉजिटिव होता है और तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. चेक करना इजी हो जाता है तो वो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स देंगे. पैराग्राफ में नहीं लिखना, अवॉइड पैराग्राफ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एफ ए बी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफ ए बी? फोर्स, अ फोर्स ऑन ए. किस पे कोलिजन हुआ? ए पर कोलिजन हुआ ड्यू टू बी, ड्यू टू बी. बेटा ये दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट हैं यहां पर लिखे हैं, दिस टू पॉइंट्स एफ बी एंड एफ ए बी, इसका मतलब है ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हो रही होती है, जब टक्कर हो रही होती है, उस टाइम पे क्या होता है. जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी पे कोलाइड किया, ठीक है. जब ए बी पे कोलाइड करेगा तो डेफिनेटली ए फोर्स लगाएगा बी के ऊपर. तो हमने यहां पर लिखा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर फोर्स लगा लेकिन ए ने लगाया. टक्कर किसने मारी? ए ने. किस पे? बी पे, ठीक है. तो थर्ड लॉ कहता है कि बी भी उतना ही फोर्स लगाने वाला ए पे, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट. जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए. देखो ए पे भी फोर्स लगा जिसने टक्कर मारी थी बी पे, ए पे भी फोर्स लगा ड्यू टू बी, सिर्फ डायरेक्शन कैसी रहेगी उसकी? ऑपोजिट. ओके, तो ये हमने बेटा यहां पर कंसिडरेशन कंप्लीट कर लिया है. अब हम डेरिवेशन पार्ट पे आ जाएंगे. डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, कंसिडरेशन कंप्लीट हो गई है. और बेटा अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, मान लेते हैं 1.2% कुछ क्लियर नहीं होता, वीडियो थोड़ी सी कभी कभी बीच में तुम्हारी ब्लर हो जाती है, तो डोंट टेक टेंशन, तुम्हें इसी लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है. यही लेक्चर शूट हो रहा है तुम्हारा और इसी की वीडियो तुम्हें मिल जाएगी. एज इट इज, जो बच्चे यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम, तो उनका भी क्लियर होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी. और कभी भी मैसेज में कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी. कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा तुम्हारे, पॉइंट्स क्लियर करते रहेंगे. करुण मेरे से पॉइंट्स क्लियर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पॉइंट्स क्लियर करते रहते हैं अपने, तो आई अप्रिशिएट दिस. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को. अब हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है.
ओके। यस, तो डेरिवेशन में बेटा हमें क्या करना है, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम। बेटा साथ साथ पॉइंट्स लिखते रहना क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है साइज में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना बेटा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ दो पार्टिकल है, सिस्टम है, सिंगल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, सिस्टम की बात कर रहे हैं, बिकॉज कंजर्वेशन चल रहा है। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कंजर्वेशन में मिनिमम टू पार्टिकल्स होते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम ए का मास क्या था, एम ए, ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, एम बी, यू बी, ओके। कोई डाउट तो नहीं है, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा, ओके। इनिशियल मोमेंटम लिख लिया, फाइनल मोमेंटम लिख लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस एम बी यू बी, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, ओके क्लियर है। डन, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया हमारा, और उसके बाद इनिशियल मोमेंटम निकाल लो फाइनल, इनिशियल मोमेंटम हो गया। ऐसे ही स्टेप करने हैं फाइनल के लिए, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब तुमने ये लिख लिया, मैं इसी में चेंजेस करता हूं, तुम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे, तुमने इनिशियल मोमेंटम लिख लिया ना, अब मैं इनिशियल हटा के फाइनल लिखूंगा, इनिशियल हटाया फाइनल, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, ये यू को हटा के लिख दूंगा वी, फाइनल वेलोसिटी है वी। देखो बेटा यू में और वी में डिफरेंस होना चाहिए, देखो ऐसे, अगर तुम यू को ऐसे लिख रहे हो ठीक है, तो वी को ऐसे ऊपर से ऐसे कर देगा, नहीं तो ये डेरिवेशन में ये छोटी छोटी बहुत गलतियां हो जाती हैं, यू वी में बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता ठीक है, ऐसा लगता है उसने जो यू लिखा है जो वी लिखा है वो सब सेम है, और जो ये नीचे पैरों में हमें वर्ड लिखने होते हैं ए बी बहुत छोटे छोटे से, तो वो क्या करता है, बिल्कुल उसके साथ रखता है। एक सेकंड बेटा आवाज आ रही है, हाँ ठीक है, तो जो ये छोटे छोटे से हमें वर्ड लिखने हैं, एम के बिल्कुल पैर में ए लिखना है, वी के पैर में छोटा सा ए या छोटा सा बी लिखना है, तो वो क्या करता है इसके साथ लिख देता है, इसके बराबर में लिख देता है ऐसे यू ए, जो बिल्कुल गलत हो जाता है, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है, अगर तुम उसके बिल्कुल सेम हाइट पे लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ये मास ए का है, ये वेलोसिटी ए की है ठीक है बेटा। ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा बी का, तो यू को हटा के मैं यहां पर वी कर दूंगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ओके। टोटल इनिशियल की जगह आ जाएगा टोटल फाइनल मोमेंटम, तुमने दोबारा से लिखना है ये सब, तुमने इनिशियल के लिए लिखना है, फाइनल के लिए ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, बिफोर की बजाय हो जाएगा आफ्टर, ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, दिस इज द आफ्टर कोलिजन, और यू के बजाय ऑन द प्लेस ऑफ यू देयर विल बी अ वी, वी हो जाएगा, और यहां पर यू पे वी आ जाएगा वी ठीक है। इन द केस बेटा अगर आ रही है डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हो रही तो अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वीडियो में तो कंप्लीट आने वाली है डेरिवेशन ठीक है। मैंने यहां तक कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ रहा हूं बेटा, तुम्हें ध्यान से करते हैं सारे स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैंने डेरिवेशन में पहला स्टेप किया इनिशियल मोमेंटम का, डेरिवेशन में दूसरा स्टेप करा मैंने फाइनल मोमेंटम का ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, थर्ड स्टेप पे आते हैं।
फाइनल ने कुछ नहीं किया था, अगर किसी का नहीं हो पाया। हाँ जी पावनी, नहीं क्या कह रहे हो? जो इनिशियल वर्ड था उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? सिर्फ फाइनल फाइनल वर्ड लिख दिया, और जो यू इनिशियल वेलोसिटी थी यू के प्लेस पे मैंने फाइनल वेलोसिटी वी लिख दी, सिंपल, और कुछ नहीं किया था। नाउ थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप है डेरिवेशन का, वो है ड्यूरिंग कोलिजन। देखो बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम है देख लिया, आफ्टर कोलिजन भी कितना मोमेंटम है, मतलब फाइनल मोमेंटम कितना वो भी देख लिया, टोटल देख लिया। टोटल क्यों निकालना हमने? क्योंकि यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल तो करना पड़ेगा। अब आते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन में क्या करेंगे बेटा? मैं यहां पर लिखता हूं फोर्स, ठीक है, ध्यान से देखना। फोर्स का मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं एम ए, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं एम, फिर ए को क्या लिख सकता हूं? वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, ये लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, ये समझ आ रहा है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इस फोर्स के फॉर्मूले में, फोर्स मेरे पास दो हैं, बी ए बी है, ए बी बी है, तो मैं मान लो यहां पर ए बी निकालता हूं, मैंने निकाला फोर्स ए बी। तो तुम्हें करना क्या है, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बस डेरिवेशन खत्म होने वाली है, अबाउट टू फिनिश। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? बिकॉज एफ ए बी टक्कर किस पर हुई, टक्कर इस टाइम फोर्स किस पे लगा और किसके कारण लगा? तो हम कहेंगे इस बार फोर्स लगा ए पर, जो पहले लिखा गया है मतलब चोट उसको लगी है, ठीक है, जो बाद में लिखा जा रहा है चोट उसने मारी है, तो दैट मींस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए पे फोर्स लगा बी के कारण लगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब पॉइंट है ये कि इस फॉर्मूला में जो मास ले रहे हो, जो फाइनल वेलोसिटी ले रहे हो, जो इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हो, वो ए की लेनी है या बी की लेनी है? तो ये ध्यान से समझना, यहां पे मास, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की लेनी है जिस पे टक्कर हुई है। किस ऑब्जेक्ट की लेनी है? जिस पर टक्कर हुई है, तो टक्कर हुई है ए पर, तो यहां पर मैं लिखूंगा एम ए वी ए यू ए। ये पॉइंट क्लियर है? जिस पर टक्कर हुई है, जिसको चोट लगी है, जो पहले लिखा हुआ है, ये भी याद रख सकते हो, जो पहले लिखा जा रहा है वो यहां पर उसका मास, उसी की फाइनल वेलोसिटी और उसी की इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद अगर मैं बी ए लिखता हूं, तो एफ बी ए अगर मैं ये लिखता हूं, तो ये कैसे लिखूंगा एफ बी ए? तो अब आ जाएगा एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी, तो अब ये आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, फिर ये आ गया, एफ ए बी निकल गया, एफ बी ए निकल गया, सिर्फ पहले जो लिखा जा रहा है जिस पे टक्कर हुई है उसको यहां पर लिख दे रहे हैं, उसका मास, उसकी वेलोसिटी, इसको हमने यहां मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए ने बी पे टक्कर मारी है तो बी ने भी ए पे टक्कर मारी होगी। बिल्कुल, जितना फोर्स ए ने लगाया है बी ने भी उतना ही फोर्स लगाया होगा, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, लेकिन बी के लगाने की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर ए ने इधर लगाया तो बी इधर लगाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे। ओके, तो इसके बाद का जो स्टेप है बेटा, थर्ड स्टेप, जो हमें बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस डेरिवेशन का, वो ये है, यहीं पर लिख रहा हूं मैं उस थर्ड स्टेप को, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ए ने बी पर लगाया है उतना ही फोर्स बी ए पर भी लगाएगा, दोनों का फोर्स लगाने का अमाउंट इक्वल होगा, लेकिन ये ऑपोजिट लगाएगा, इसलिए यहां पे माइनस लगा दो, यहां पे माइनस का साइन लगा दो, बिकॉज ये जो फोर्स लगेगा बेटा ये ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। बस इतना काम तुम्हें करना है, डेरिवेशन हमारी खत्म हो चुकी है इन तक इस अगर हमारी वीडियो, क्योंकि टाइम आउट होने वाला है, वीडियो अगर खत्म भी हो जाती है, ये वाली क्लास एंड हो जाती है, तो तुम वीडियो में देख लेना तुम्हें करना क्या है। देखो एफ ए बी की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास, ये रही एफ ए बी की वैल्यू, इसको यहां पे पुट कर देना, ठीक है। एफ बी ए की वैल्यू ये रही, ये एफ बी ए की वैल्यू है, इसको यहां पे पुट कर देना, बस इन दोनों को पुट कर देना है, और तुम देखोगे क्या आंसर में तुम्हें क्या मिलेगा, आंसर में ये मिलेगा जो तुमने टोटल मोमेंटम निकाल रखा है बिफोर कोलिजन और जो टोटल मोमेंटम निकाल रखा है आफ्टर कोलिजन, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे।
अगर मोमेंटम कोलिजन से पहले और मोमेंटम कोलिजन के बाद इक्वल है देन वी कैन से कि हमारा मोमेंटम कंजर्व है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। अभी मैंने समझाया था ना कि अगर मान लो इसमें से टक्कर होने के बाद कोई एक की वेलोसिटी कम हो जाती है तो दूसरे की ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें फैमिली का रीजन दिया था कि अगर एक की इनकम कम हो जाती है तो दूसरे की ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, टक्कर होने के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज होने वाली है, तो हम कहेंगे वेलोसिटीज चाहे चेंज हो जाएं, लेकिन जब हम मोमेंटम निकालेंगे टोटल करेंगे तो वो फिर सेम आ जाएगा, कंजर्व रहेगा मोमेंटम। कि अगर किसी एक की वेलोसिटी कम हो रही है, मान लो एक की वेलोसिटी अगर कम हो गई तो उतनी ही वेलोसिटी वी की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे, चेंज नहीं होने देंगे। मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद, टक्कर होने से पहले का, टक्कर होने के बाद का मोमेंटम, वो हमारा कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। ये हमें कहां से मिलेगा? जब इस एफ ए बी के वैल्यू को इसमें रखोगे, फिर इक्वल टू लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे और एफ बी ए की वैल्यू इसमें रखोगे, इसको मैथमेटिकली सॉर्ट करोगे, ठीक है, रीअरेंज करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? इक्वल टू के एक साइड मिलेगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इक्वल टू के दूसरी साइड मिलेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दैट मींस तुम प्रूफ कर जाओगे कि हमारा टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद इक्वल आ, ये तुम प्रूफ करोगे इसके अंदर। ठीक है, एक मिनट टाइम भी चेक कर लें। हाँ बिल्कुल, टाइम 3 मिनट हमारे रह गए हैं, तो 3 मिनट में देखते हैं हम कितना कर लेते हैं, बाकी तुम वीडियो में देखोगे। मैंने समझा दिया तुम्हें कंप्लीट कि तुम्हें ये वाली वैल्यू इसमें रखनी है, ये वाली वैल्यू तुम्हें इसमें रखनी है। ठीक है, वैल्यूज को रखते ही उसके बाद तुम्हारे पास आउटपुट क्या आएगी वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ये कुछ इस टाइप से बेटा तुम्हारा बन जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये हो जाएगा बेटा एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, टी से टी कैंसल हो जाएगा। ठीक है, एम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, यहां पर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस ब्रैकेट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, टी से टी कैंसिल हो चुका है, ये बन चुका है बेटा। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताएंगे? माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? एम ए वी ए एम ए यू ए माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम बी यू बी। अब क्या करो, यू वाले एक साइड कर दो, वी वाले एक साइड कर दो। देखो ये वी है और ये यू है, यू को इधर ले जाता हूं, इसमें से वी को इधर ले आता हूं, एम ए वी ए इधर ही है, इस v को इधर ले आओ, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी वी बी इज इक्वल टू, इस a का जो u है u को इधर ले जाओ तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा एम ए यू ए और ये वाला एज इट इज एम बी यू बी। लो बेटा, ये बेटा तुम्हारा आंसर है, दिस इज योर आंसर। और ये जो आंसर आया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है हमारे लिए, हमें सब कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, ये मेन आंसर है हमारा। देखो इसमें मैं तुम्हें लिख कर दिखा रहा हूं कि क्या है बेसिकली, ये जो है तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है, ये है टोटल फाइनल मोमेंटम After collision, is equal to total initial momentum
ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद और फाइनल मोमेंटम कोलिजन से, सॉरी ड्यूरिंग इंडिया बिफोर, सॉरी 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 बिफोर कोलिजन की कोलिजन के बाद वो सेम होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इट शोज कंजर्वेशन, इट शोज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये लीनियर मोमेंटम में हमें कंजर्वेशन शो करता है। कंजर्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद है, मतलब कुछ उनकी पहले वेलोसिटीज थी, अब टक्कर होने के बाद वेलोसिटीज से चेंज हो गई, लेकिन जब सम किया मोमेंटम का तो वो फिर सेम आ गया। तो ये बेटा फॉर्मूला तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 80% न्यूमेरिकल होंगे इस फॉर्मूले पे, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें शो कर दिया, याद कर दो फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है। और फॉर्मूला लर्न क्या करना है, सिंपल है ना।